किसान यूनियन व जर्नलिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन की संयुक्त बैनर तले पुलिस अधीक्षक व अतिरिक्त मजिस्ट्रेट को सौंपा ज्ञापन। कार्यवाही न होने पर 8 अप्रैल को कप्तान ऑफिस का घेराव कर किया जाएगा प्रदर्शन। भारतीय मजदूर किसान वेलफेयर एसोसिएशन व जर्नलिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन की संयुक्त बैनर तले मछरेटा व संद्रा थाना क्षेत्र में हुए पत्रकारों के साथ उत्पीड़न व फोन से गाली गलौज व जानलेवा धमकी के संबंध में प्राथमिकी न दर्ज किए जाने से आक्रोशित मजदूर किसानों पत्रकारों द्वारा पुलिस अधीक्षक आरपी सिंह व अतिरिक्त मजिस्ट्रेट अजय कुमार सिंह को ज्ञापन सौंपा गया। इसमें बताया गया कि थाना संदना के अरुण कुमार राज व थाना मछरेटा के ललित कुमार व प्रवीण संगम व नीरज अवस्थी के द्वारा करीब एक माह पहले स्थानीय थाने पर प्रार्थना पत्र दिया गया था, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिससे पत्रकारों व किसान यूनियन में रोष व्याप्त है। रात हो के थाना संदना क्षेत्र के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय जमलापुर में शिक्षिका ज्योति जायसवाल द्वारा बच्ची को मारा गया था और बच्ची की माँ की तहरीर पर पत्रकारों ने खबर छापा था। ज्ञापन दे भी दिए हैं, पुलिस अधीक्षक महोदय से मुलाकात की है, उन्होंने बताया है कि एक हफ्ते के अंदर ही पहले ही कार्रवाई कर देंगे। और ये मामला एक महीने पहले का है जहां पे पत्रकारों के साथ अभद्रता की गई है और उन्हें गालियां भी दी गई हैं। किन थानों का मामला है? ये ब्लॉक जो है मछरेटा है, थाना मछरेटा है, और एक संदना थाने का मामला है अरुण कुमार राज। दो थानों का मामला है, लंबित पड़ा हुआ है, एक महीने बीत गए हैं, लेकिन अभी तक प्रशासन से कोई भी कार्रवाई नहीं की है, सिर्फ आश्वासन ही दिया है, जिस पर हम लोग किसान यूनियन अध्यक्ष और पत्रकारिता संघ के कुछ पदाधिकारी संघ साथ में हैं और एसोसिएशन जर्नलिस्ट के पत्रकार साथ में हैं, आज मिल करके संयुक्त रूप से ज्ञापन दिए हैं और एक ज्ञापन जिलाधिकारी महोदय को हम लोगों ने दिया है, जिस पर वह भी आश्वासन मिला है कि हफ्ते का अगर एक हफ्ते के अंदर कार्रवाई नहीं होती है तो हम पुलिस अधीक्षक महोदय के वहाँ 8 अप्रैल को धरना प्रदर्शन करेंगे। मैं संतोष कुमार राव, जिला उपाध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, भारतीय मजदूर किसान वेलफेयर एसोसिएशन। 9 भारत से ब्यूरो रिपोर्ट।